नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आपने कई ऐसे किस्सों के बारे में सुना होगा जहां दूल्हे के नशे में होने की वजह से दुल्हन ने बारात आने के बाद भी शादी से इनकार कर दिया हो, पर आज हम आपको ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। तो मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है, जहां एक दुल्हन ने दूल्हे को गुटखा चबाते देख शादी से इनकार कर दिया। दरअसल गांव मिश्रौली की रहने वाली लड़की की शादी खेजपुरी गांव के युवक से 5 जून को होनी थी, पर जब युवक बारात लेकर लड़की के गांव पहुंचा तो लड़की ने देखा कि उसका होने वाला पति गुटखा चबा रहा है। बस फिर क्या था, इतनी सी बात पर लड़की का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और लड़की ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों पक्षों के लोग दुल्हन को मनाने की तमाम कोशिशें करते रहे, पर दुल्हन टस से मस नहीं हुई। इस वाक्य पर कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें थोड़ा तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करें तो इस पूरे मामले पर एकदम सटीक बैठती हैं। पंक्तियां हैं, नाराज तुम नाराज हम, कैसे घटे ये दूरियां, जिद्दी तुम गुटखाबाज हम, दोनों की हैं मजबूरियां। खैर, दुल्हन नहीं मानी और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को दिए गए उपहार और अन्य सामान वापस कर दिए और बारात लौट गई। अब ये तो था पूरा मामला, अब बात करते हैं कि क्या लड़की ने सही किया। तो मेरी नजर में लड़की ने जिस बहादुरी से बारात को उल्टे पांव वापस लौटाया वो सराहनीय है। वो भी क्यों ना, जिस इंसान को वो अपना जीवन साथी चुन रही है, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रही है, उसे कोई ऐसी आदत हो जो लड़की को ना गवारा हो तो ये उस लड़की का हक है और मैं कहूंगी कि उसका अधिकार भी है कि समाज के बारे में ना सोच के वो सही समय पर वो कदम उठाए जो उसकी जिंदगी के लिए सही है, जरूरी है और उचित भी है। क्योंकि एक दिन की चुप्पी आपको जिंदगी भर वो देखते देखते जिंदगी काटने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आपको बार बराबर पसंद भी ना हो। खैर, वही उसी एक ही दिन की हिम्मत आपको जिंदगी पर जिंदगी जीने का हौसला दे सकती है। मैं और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम गुटखा धूम्रपान की सख्त खिलाफत करते हैं और किन्हीं भी परिस्थितियों में इसके सेवन का सहयोग नहीं करते हैं। धन्यवाद।